वेलकम टू ब्रेन फ्यूज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th बोर्ड में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उससे आने वाला एक क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली आपको चाहे दो मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे चाहे ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे दो डिजिट के नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। कभी कभी आपको देख देगा कितने ऐसे दो डिजिट के नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं या फिर 4 से डिवाइड होते हैं। तो करना क्या है, कैसे करना है, उसको ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लेते हैं दो डिजिट के नंबर। तो सबसे पहले 12, दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, ऐसे करते जाएंगे सो ऑन, तो हमारा लास्ट नंबर मिलेगा 99। 99 के बाद जो नंबर आएगा 102 जो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो अब ये हमारे पास निकल गया। अब इसके लिए अब हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 12, जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई 15 माइनस 12 यानी 3। अच्छा लास्ट टर्म हमको दिया गया an, कितना दिया गया है 99। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है n की वैल्यू के कितने ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे हमको। तो बस फॉर्मूले पर रख देना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू 99, a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू हमको 3 दिया गया है। तो 99 इधर आएगा पहले माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 3n माइनस 3। तो 99 को इसमें से माइनस कर लेते तो 87 इक्वल टू 3n माइनस 3, देयरफॉर 3n इक्वल टू 87 जो माइनस 3 आएगा प्लस 3, देयरफॉर 3n इक्वल टू 90, देयरफॉर n इक्वल टू 30। तो यहां पे हमारी n की वैल्यू कितनी निकल गई 30। इसका मतलब हमारे पास टोटल 30 ऐसे टू डिजिट के नंबर होते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर?